गुरु और राहु दूसरे भाव में बैठकर हमारी जिंदगी में जो प्रभाव देते हैं ना आज की वीडियो उसी विषय में है कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु चंडाल योग द्वितीय भाव अर्थात दूसरे घर में बन रहा है तो क्या करवाना चाहते हैं कौन गुरु और राहु मिलकर आपसे क्या करवाना चाहते हैं इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको दिक्कतें क्या आएंगी और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कर्म अनुसार यानी कौन सी दिशा में जाएं किस तरह से इन दिक्कतों को कम करें क्योंकि दर्शकों गुरु और राहु दोनों मिलकर हमसे एक रास्ता चुनवाना चाहते हैं यानी एक रास्ते का चुनाव करवाना चाहते हैं अगर वो बात समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को हम हल कर लेंगे जो ये कठिनताएँ हमारे जीवन में लाते हैं तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ में ये भी कहूँगा कि गुरु राहु की हमने प्रथम भाव में भी वीडियो बना रखी है और अन्य भाव में भी वीडियो बना रखी है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा आइए शुरुआत करते हैं मैं एस्ट्रो शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों चंडालियो सेकंड हाउस में बन रहा है एक बात सोचिए दर्शकों सेकंड हाउस द्वितीय भाव होता क्या है जैसे इंसान पैदा होता है ना तो सबसे पहले किससे मुलाकात होती है उसकी अपने कुटुंब से अपने परिवार से और यहाँ पर सेकंड हाउस में बन गया गुरु गुरुचंड योग तो क्या गड़बड़ करेगा दर्शकों आप अपने परिवार के लिए बहुत लक्की हैं जैसे ही आप पैदा होते हैं आपके परिवार में जरूर कुछ ना कुछ लाभ होने शुरू हो जाते हैं ये धन के स्वरूप में भी हो सकते हैं तरक्की के स्वरूप में भी हो सकते हैं मानसिक शांति के स्वरूप में भी हो सकते हैं पता करिएगा कि आपके जन्म के बाद वो अच्छे परिवर्तन आए अब आप कहेंगे आचार्य जी परिवार के जीवन में तो आ गए हमारा बताइए ना दर्शकों परिवार के लिए तो लक्की हो स्वयं के लिए अनलक्की नहीं कह रहा हूँ दर्शकों स्वयं के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण बना देते हैं गुरु और राहु मिलके क्योंकि ऐसा होता ही है क्योंकि उनका काम ही यही है गुरु देंगे ज्ञान और राहु का तरीका उस ज्ञान से थोड़ा सा भ्रमित करने का होता है उसकी एक वजह है दर्शकों वो ये है कि राहु आपको अनुभवी व्यक्ति बनाना चाहते हैं और गुरु उस ज्ञान का प्रयोग करवाना चाहते हैं परंतु किस तरह से उसके लिए मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि हमेशा ये योग ये चंडाल योग ये गुरु राहु युति हर स्टेप पर आपकी जिंदगी में आपको एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी मतलब ये कि जब भी आपकी जिंदगी में आपको कोई डिसीजन लेना है कई लोगों के पास तो दो रास्ते होते हैं आपके पास चार चार होंगे और ये कोई आसान बात नहीं है बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी कि कौन सा रास्ता चुने अब आप कहेंगे आचार्य जी हम किसी से सलाह ले लेंगे ये भी बड़ी मुश्किल बात है आपको गुरु राहु की युति सलाहें भी हजार यानी परामर्श भी हजार दिलवाएंगी उससे आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि आपको अपनी राह के चुनाव अपने बुद्धि अनुसार करना है ये बुद्धि कौन देगा आपको राहु देवता जानबूझ के मैंने आपको राहु देवता बताया है क्योंकि ध्यान रखिए गुरु और राहु साथ बैठकर सेकंड हाउस में अच्छा फल देना चाहते हैं फाइनली आपको राहु आपको एक ऐसी कुशाग्र बुद्धि देंगे जो चीजों का चयन चुनाव डिसीजन बड़े अच्छे से करोगे प्लानिंग तो नहीं करोगे लेकिन एकदम से आप उस चुनाव को करने की क्षमता रखते हैं और अपनी नॉलेज के अनुसार उस चुनाव में जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको तरक्की मिलेगी साथ ही दर्शकों एक बात का और ध्यान रखना कि ये दोनों आपको उतार चढ़ाव तो बहुत दिखाने वाले हैं और बहुत जल्दी ही दिखा देंगे इसके लिए मिडल एज का इंतजार नहीं करेंगे यंग एज में ही आपको आपकी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन शो कर देंगे इसी कारणवश सेकेंड हाउस में बैठ कर चंडाल योग के अंदर गुरु राहु आपको बहुत सारी फील्ड चेंज करवाते हैं आप कितनी फील्ड चेंज करवाते हैं ये बताना भी बड़ा मुश्किल काम है इसको एक नज़रिए से लेते हैं यानी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका हम कर्म अनुसार क्या फ़ायदा उठाएँ जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि क्या करें जिससे इस युति का हमें कुछ फ़ायदा हो जाए देखिए दर्शकों आपको जब वो अनुभव दे रहे हैं अलग अलग कार्य करा रहे हैं बहुत सारी फील्ड्स करवा रहे हैं इसका एक मतलब बनता है आप देखिए ज़िंदगी के अंदर शुरुआती दौर में ही आप समझिए आपने ऐसे मेहनत करी जैसे कि अपने हाथ से काम करना सीखा जबकि आपका बनता नहीं था क्योंकि परिवार आपको सहयोग दे सकता था पर किसी कारणवश परिवार का सहयोग नहीं मिला जैसे हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं इन दोनों से मिलाकर जिसके कारण आपको एकदम से धन की हानि हो जाए परिवार के अंदर शुरुआत में फ़ायदा हो बीच में हानि हो जाए और बाद में आपको स्वयं काम करना शुरू करना पड़े तब आप जहां जहां जाकर काम करेंगे वहां वहां आपका नाम बहुत होगा लोग आपको पसंद बहुत करेंगे और इसी कारणवश बार बार आपको चाहेंगे कि आप वहीं रहिए परंतु आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए उसमें जैसे ही कोई शंका उत्पन्न होगी आप जॉब छोड़ देंगे वो कार्य छोड़ देंगे ये शंका कैसे उत्पन्न होगी ये करेंगे चंडाल योग सब कुछ सही चलने के बावजूद भी आपको शंका दे देंगे कि यहाँ पर मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है वैसे एक बात कहूँ दर्शकों छोड़ने में कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि यही तो चाहते हैं गुरु चंडाल योग कन्फ्यूज मत होइए। गुरु गुरु योग बहुत सारी फील्ड बल कर बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के अनुभव दिलवा कर आपको दो में से एक जगह स्टेबल कर देंगे दो में से एक जगह कौन सी मान लीजिए आप जॉब करते आ रहे हैं तो फाइनली सेकंड हाउस में चंडाल योग हमेशा आपको प्रेरित करेगा अपना काम करो उसका कारण है आप फ्रीडम के बिना रह नहीं सकते और अगर नौकरी में भी आपको फ्रीडम नहीं मिली तो आप जॉब छोड़ देते हैं इसलिए कहीं ना कहीं अंततः आप अपना कार्य करेंगे ही करेंगे और अगर चलिए मान लेते हैं कि आप नौकरी कॉन्टिन्यू करते हैं तो नौकरी में उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके हाथ में फुल फ्लैच पावर होगी और आप पूरी फ्रीडम के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं यानी गुरु राहु की युति सेकंड हाउस में आपको वो जो टूटे फूटे रास्ते से ले जा रही थी ना उतार चढ़ाव वाले रास्ते से ले जा रही थी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से ले जा रही थी उसका अंत बहुत अच्छा है अंत मतलब रास्ते का अंत आपका अंत नहीं कह रहा हूँ मैं आपकी जिंदगी तो बहुत अच्छी बीतेगी पर वो रास्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका अनुभव पूरा होता है आप अपना कार्य शुरू करेंगे और सबसे मजेदार बात आप डायरेक्टली पब्लिक से कमाएंगे तो आप लोगों से जुड़ना सीख जाएंगे इसलिए आप ग्रुप बहुत अच्छे अच्छे बनाएंगे अपने लेवल पर और अपनी स्थितियों के अनुसार अब देखिए ना इसको समझने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ दर्शकों सेकेंड हाउस में बैठकर गुरु राहु की युति एक बात दिखाती है आप देखो जब कभी भी आप किसी दुकान में एंटर करते हो अगर मान लीजिए उस दुकान में उस समय कोई ग्राहक नहीं है परंतु आप एंटर करने के बाद वहाँ पर पता नहीं कहाँ से भीड़ आ जाती है वो शॉपकीपर जो अभी तक आराम से बैठा था वो अब आपको ही टाइम नहीं दे पा रहा है और क्योंकि क्योंकि बाकी ग्राहक आ गए इसका क्या तात्पर्य है ये जो गुरु राहु की तो ही सेकंड हाउस में है ना ये आपके पीछे पीछे भीड़ लेकर चलती है इसलिए कह रहा हूं आप इतना अनुभव लेने के बाद डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्क करने के बाद अपना कार्य करेंगे दर्शकों मेरे लिए कहना तो आसान है पर मैं जानता हूँ कि जब इंसान की नौकरी छूटती है काम बदलता है और उस समय वो एक शून्य पर यानि चौराहे पर खड़ा होता है तो उसको दिक्कतें आती हैं ये बातें इसलिए ही बता रहा हूँ आपको कि आप समझ पाए कि ये चंडाल युग का नाम गुरु चंडाल क्यों है क्योंकि उसका काम करने का तरीका बड़ा विपरीत है बड़े ही अजीब तरीके से आपको अनुभव देगा आपके कुटुंब के साथ भी आपको अनुभव देगा जैसे एक अनुभव के तौर पे बताता हूँ जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा तो एकदम से आपके परिवार में किसी ना किसी को सेहत से संबंधित बड़ी गंभीर परेशानी दे देगा जिसके कारणवश आपके काम में दिक्कतें आएंगी या फिर धन की हानि होगी और क्या उस व्यक्ति के सेहत की रिकवरी होगी उसकी संभावनाएं कम लगती हैं दर्शकों मुझे क्यों क्योंकि रेगुलरली आपका समय वहां पर डेडिकेट कराना चाहते हैं गुरु और राहु पर आप अपनी काबिलियत के अनुसार एक समय के बाद ऐसा संतुलन बना लेंगे जिससे फिर से आप अपने काम पर भी ध्यान दे पाएंगे और अपने परिवार के सदस्य पर भी ध्यान दे पाएंगे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ी से बड़ी मुश्किल देना गुरु चंडाल योग का काम है पर ये एक तरह की पहली होती है जो अगर आपने सुलझा ली तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा ये बात भी पक्की है क्योंकि गुरु चंडाल योग धन बहुत देता है सेकेंड हाउस में बैठ पर उससे पहले कहीं ना कहीं पाई पाई के लिए मोहताज भी एक बार करवाता जरूर है इसलिए ही सेकेंड हाउस के अंदर बैठे हुए चंडाल योग के लिए आपसे कहूंगा कि जो आप अपने परिवार के सदस्यों की भलाई करते हो रिश्तेदारों की भलाई करते हो सबका सहयोग करते हो सबके साथ चलते हो ये आपको फायदा देगा निश्चिंत रहिए आप ये मत सोचिएगा कि हम इतने अच्छे कार्य करते हैं और हमें इतना फायदा होता क्यों नहीं है अभी नहीं हो रहा होगा दर्शकों पर बाद में ये सब आपको बहुत ज्यादा कॉमर्शियल वे में बेनिफिट मिलने वाला है आप कहेंगे आचार्य जी क्या पर्सनल रिलेशन को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लें नहीं मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि आप जाके प्रोफेशनली उसे कन्वर्ट कीजिए लोगों का विश्वास ही आप पर इतना हो जाएगा क्योंकि वो जो अनुभव वो जो सहायता वो जो कार्य करने की शैली चंडाल योग ने आपकी बनाई है ना उसने आपको तराश कर कमाल बना दिया है और सेकंड हाउस के अंदर आप समाज में इतना प्रतिष्ठा ले लेंगे कि फिर आपके नाम की वाहवाही होने वाली है समय लगेगा क्योंकि ये समय ही तो सबसे ज्यादा लेते हैं गुरु चंडाल योग तो जिनके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा या जो चल रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या तकलीफ चल रही है आपको भरोसा दिलाता हूं यह तकलीफ आपकी खत्म जरूर होगी और धन संपत्ति का आपको लाभ होगा क्योंकि अंततः जब ये योग धन देना शुरू करता है ना तो बड़ा मजेदार योग बन जाता है सेकंड हाउस में बैठकर कुंडली के वीडियो लाइक कर लीजिएगा दर्शकों महत्वपूर्ण बातें ही बताई हैं, बताने बैठा तो न जाने कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए महत्वपूर्ण बातें क्या आपके समझ में आई क्या आपको पता लगा किस तरह से कर्म अनुसार स्थितियों को बदलें तो कुछ लाभ हो सकता है अगर हम गुरु चंडाल का फायदा उठाना चाहते हैं तो कलयुग में बने रहिएगा हमारे साथ इसलिए बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद